हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपको कुर्ती का बहुत ही प्यारा एक डिज़ाइन बताने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने कुर्ती की कटिंग पहले से ही कर ली है और हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको अच्छे तरीके से समझा सकें। तो देखिए, हमने सबसे पहले ये बुकरम ली है, जिसकी लंबाई चौड़ाई हम आपको एक बार बताए देते हैं। देखिए, लंबाई हमने इसकी 14.5 इंच ली है और जिसकी हमने जो चौड़ाई ली है ये हमने 9.5 इंच ली है, यानी कि ये फोल्ड है। तो हम क्या करेंगे कि अब हम बंद वाली साइड से 3 इंच पे निशान लगाएंगे। जो बंद वाली साइड है यहाँ से हम 3 इंच पे निशान लगा देंगे। अब यहाँ से हम लंबाई देखेंगे कि हम अपने गले की लंबाई है वो कितनी रखेंगे। तो देखिए, जैसे हम इसमें रखेंगे 6 इंच तैयार। अब यहाँ से हम फिर से एक निशान 3 इंच पे लगाएंगे और इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। और यहाँ से हम इस तरीके से इसमें शेप देंगे, मतलब कि राउंड नहीं देनी है आपको, हल्की सी नीचे की साइड करके देनी है शेप। अब हम यहाँ से इसको इस तरीके से सीधा कट करेंगे और यहाँ से एक एक इंच पे निशान लगाएंगे। तो देखिए, अब हम एक एक इंच के हिसाब से ही इन लाइनों को ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से। तो देखिए, ये निशान और यहाँ से इनको हम कट कर देंगे। अब हम यहाँ से भी कट कर देंगे इसको। तो देखिए, खुलने के बाद ये हमारा जो गला है वो कुछ इस तरीके से आएगा और इसमें हम लेस से डिजाइन देने वाले हैं और बीच में हम इसमें बटन लगाएंगे, जिस कलर की हमारी कुर्ती है उसी कलर के। अब हम क्या करेंगे कि अपने इस कपड़े को पहले हम किसी भी पेपर पेस्टिंग वो सॉरी कपड़े के ऊपर चिपका लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने इस गले को अच्छे से चिपका लिया है इसके ऊपर, कपड़े के ऊपर, और ये हमने कपड़े की उल्टी साइड को चिपकाया है कपड़ा। और देखिए, ये हमने कट करके एक एक आधा आधा इंच का मार्जिन रख लिया है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो कोनों दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे हम ऐसे सीधा कट लगा लेंगे कोनों में, दोनों कोनों में, क्योंकि यहाँ से ये फोल्ड करने में इसे थोड़ी सी आसानी होगी। अब हम क्या करेंगे कि अपने इस कपड़े को इस तरीके से उल्टी साइड को फोल्ड करेंगे, एक मिनट, ऐसे। तो हमें ये पूरा कपड़ा अपना इसी तरीके से बहुत ही फिनिशिंग के साथ फोल्ड करना है और कोनों पे से भी हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अभी देखिए, हमने पूरा कपड़ा फोल्ड कर दिया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसका हम सेंटर करेंगे, इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे और बिल्कुल बराबर करेंगे इसको यहाँ तक, नीचे तक, और फिर इसके सेंटर में एक निशान लगाएंगे। तो देखिए, हमने सेंटर में एक निशान लगा लिया है। अब हम अपना कुर्ती वाला कपड़ा लेंगे और कुर्ती वाले कपड़े की उल्टी साइड लेंगे, क्योंकि हमें ये राइट साइड को फोल्ड करना है। तो देखिए, हमने इसको दो पिनों से सेट कर दिया है ताकि कपड़ा इधर उधर को ना खिसके। अब हम देखिए सिलाई लगाएंगे। सिलाई सिर्फ हमें गले के ऊपर लगानी है, ना कि जो हमारी ये लंबाई में हमने ज़्यादा एक्स्ट्रा बुकरम ली है उसके ऊपर नहीं लगानी है। इसको हम राइट साइड पलटेंगे तो इसको हमें उल्टी साइड से सिलना है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। इसको पलट के अपनी साइड लेके आएंगे, गले को थोड़ा सा ठीक करेंगे, कहीं से भी बल ना आए।
तो देखिए हमने ये सिर्फ गले वाली साइड सिली है। अब हम पिन निकाल के और जो हमारा ये कपड़ा है इसको कटिंग करेंगे। इसको एक एक पॉइंट कपड़ा छोड़ेंगे हम, यानी कि पूरा कपड़ा कट नहीं करना है आपको, थोड़ा सा कपड़ा छोड़ के उसके बाद अब हम इसमें ऐसे कट लगाएंगे। अब देखिए इसको हम ऐसे सीधी साइड को ही पलटेंगे। अब एक सिलाई हम गले के ऊपर लगाएंगे इसको सेट करते हुए। ऊपर की साइड से भी ऐसे ही हम सिलाई लगाएंगे। अभी देखिए उसके बाद हमने ये लेस ली है, ये हमने बिल्कुल सेम कलर की लेस ली है, आप थोड़ा सा डिफरेंट कलर भी ले सकती हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम आपको इसको लगाना बताएंगे कि हमें लेस को कैसे दो तरीके से लगा सकते हैं। तो देखिए पहले हम इसको पिन से सिक्योर कर लेते हैं। तो देखिए एक तरीका तो इसका ये है कि आप इसको ऐसे इसके नीचे रख के भी लगा सकती हैं ऐसे, और एक तरीका इसका ये है कि इसको आप इस तरीके से भी लगा सकती हैं ऐसे। तो हम इसको ऊपर की साइड से लगाएंगे, इसको हम इस तरीके से रखेंगे इस वाली साइड से। और ज़्यादा हमको कपड़ा नहीं दबाना है, जो जिस पॉइंट पे हमारी सिलाई चली हुई है हम उसी पॉइंट को दबाते हुए इसे सिलेंगे। ये देखिए इस तरीके से। यहाँ से हम एक छोटी सी प्लेट डालेंगे क्योंकि यहाँ पे करवाया हुआ है। प्लेट आपकी ऐसी होनी चाहिए जो दिखे ना। फिर से हम ऐसे ही नीचे की साइड लेके आएंगे कपड़े को, और बिल्कुल बराबर ही दबना चाहिए आपका कपड़ा। अब हमारी प्लेट एक यहाँ पे आएगी बिल्कुल कर्व वाली साइड पे। पहले इसको नीचे से थोड़ा सा सिलेंगे अभी। अब इसको नीचे की साइड लेके आएंगे। बाद में जो हमारी ये सिलाइयाँ दिख रही हैं इनको हम निकाल देंगे। अब इसको हम इस तरीके से मोड़ेंगे। ऊपर की साइड करेंगे इसको, और जो हमारा ये गला है ये बहुत ही सुंदर बनेगा। लेस को थोड़ा सा ठीक करेंगे हम, जिससे थोड़ी शेप इसकी ठीक ठाक आए। यहाँ से प्लेट देने की जरूरत नहीं पड़ी हमें। अब देखिए जैसे इसके सामने ही हमें प्लेट देनी है, जहां से ये वाली प्लेट दी गई है। और फिर ऐसे ऊपर की साइड लेके आएंगे कपड़े को।
अब एक्स्ट्रा लेस को कट करेंगे। अभी देखिए लगने के बाद ये कुछ इस तरीके से आया है। अब देखिए इस तरीके से लगाने के बाद अब हम इसे थोड़ा सा दबाने के लिए एक सिलाई यहाँ पे लगाएंगे, जिससे जो हमारे ये इसमें छोटे छोटे टसल्स लगे हुए हैं, ये बहुत छोटे टसल्स हैं, ये भी थोड़े मजबूत हो जाएंगे सिलाई लगने के बाद। और जो ये लेस है जो थोड़ी उठी उठी सी दिख रही है आपको, ये भी नहीं दिखेगी। तो इस सिलाई को हम कंप्लीट करके लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये गला है जो वो कितनी फिनिशिंग के साथ हमने बना लिया है, और देखिए बिल्कुल कम समय में एक गला तैयार हो गया है। अब देखिए हम क्या करेंगे कि जो इसकी अंदर वाली साइड है, आप चाहें तो वहाँ पे लेस लगा सकती हैं, यहाँ पे हमको इस तरीके से लगानी होगी ये ऐसे, आप चाहें तो लगा सकती हैं वरना इसको सिंपल भी रख सकती हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने गले को कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकती हैं कि जो हमारा ये गला है वो ना ही तो किधर से भी चौड़ रहा है, यानी कि एकदम फिक्स आया है। आप चाहें तो कोई लेस वगैरह लगा सकती हैं, हम सिंपल रखेंगे। और देखिए हमने ये फैंसी बटन यहाँ पे इनको हम अटैच कर लेंगे, और आप देख सकती हैं कि कितने कम समय में हमारा ये सिंपल सा, और देखिए हमने इधर से कोशिश की तो इधर से एक भी प्लेट नहीं आई, जब हमने ऊपर से कोशिश की तो प्लेट आई। तो आप जब भी ये लेस लगाएं तो यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से लगाते हैं तो कर्व अच्छे से आ जाता है। तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये गला ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।